कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कांग्रेसी इस समय हमलावर होकर उन्हें भूमाफिया बताने का आरोप लगा रहे हैं। सिंधिया के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बचाव के लिए अब मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रद्युमन सिंह ने आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों से कहा है कि वह पहले अपना हिसाब तो बताएं कि आपके पास संपत्ति कहां से आई। सिंधिया तो राजघराने से आते हैं। मिश्रा ने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस किसे टिकट दे या ना दे ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस के पास अब मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवार ही नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का सूरज अब अस्ताचल की ओर है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी जनता के बीच नहीं जाने वाले कांग्रेस के किसी नेता पर उनका आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोरोना काल और इतने भयावह बाढ़ में भी कांग्रेस का कोई नेता जनता के बीच नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि वोट के लिए सिर्फ बीजेपी को कोसने के बजाय कांग्रेस को जनता की सेवा भी करनी चाहिए। कांग्रेस ग्वालियर में सिंधिया को लगातार भूमाफिया बताकर उनके खिलाफ अभियान चला रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार कर कांग्रेसियों को जवाब दिए थे, लेकिन अब सिंधिया समर्थक मंत्री तोमर ने सिंधिया के बचाव में मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सिंधिया पर ऐसे कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं जिनके पास कल तक कुछ नहीं था और वो आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिंधिया राजघराने में पैदा हुए तो इसमें उनका क्या दोष है, उन्हें विरासत में जो जमीन जायदाद मिली है। मंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस के नेता बताएं कि उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई जो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मंत्री तोमर ने दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वैसे वह वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इसके बाद भी वह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का मंटाधार कब हुआ ये किसी को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब जानते हैं। अब अगर ऐसे नेता को कांग्रेस ने सर्वे करने के लिए भेजा है तो कांग्रेस का सर्वे कितना सही होगा इस बारे में कांग्रेस के अन्य नेता जानते होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।